अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे देश की जनता को यह उम्मीद थी कि यह बजट उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा और साथ ही साथ देश के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनको हल करने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन बजट को देखने के बाद खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि देश की जनता को घोर निराशा हुई है। स्टॉप। सबसे बड़ी बात यह है कि देश इस समय महंगाई के संकट से गुजर रहा है। स्टॉप। इस बजट ने इस महंगाई के ज़माने में जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इससे महंगाई और बढ़ी है, हर क्षेत्र में बढ़ी है। स्टॉप पैरा। देश के सामने सबसे कठिन समस्या यह है कि हर कीमत पर हमारे देश की आज़ादी की रक्षा होनी चाहिए। स्टॉप। हमें जो चुनौती दी गई है, हमारी जो स्वतंत्रता गिरवी रखी हुई है, उसका कोई इलाज इस बजट के द्वारा नहीं किया गया है। स्टॉप। चीन के द्वारा हमारी भूमि पर जो कब्जा किया गया है वह कब्जा आज भी बना हुआ है। स्टॉप। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। स्टॉप। पिछली लड़ाई के समय ताशकंद घोषणा के आधार पर हमें कुछ भुगतना पड़ा है। स्टॉप। उसका उत्तर भी अब तक हमारे शासन के द्वारा इस ढंग से नहीं दिया जा सका है जिससे हम हिम्मत के साथ यह कह सकें कि हम अपने देश की एक इंच भूमि भी विदेशियों के कब्जे में नहीं रहने देंगे। स्टॉप। हम आशा करते थे कि इस बजट में हमारी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन देश की जनता को इस मामले में निराश होना पड़ा है। स्टॉप। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा देश किसी दूसरे की भूमि नहीं चाहता, लेकिन इसके साथ ही हम अपने देश की एक इंच भूमि एक क्षण के लिए भी किसी विदेशी शक्ति के अधिकार में रहने देने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉप। देश की उस आवाज़ को शासन को सुनना चाहिए था, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस आवाज़ को नहीं सुना गया है, बल्कि उल्टे रक्षा के बजट में कटौती की गई है। स्टॉप। इस समय अन्न की कमी बड़ा गंभीर समस्या है। स्टॉप। देश में जो अन्न संकट है उसको हल नहीं किया जा सकता और न हल हो सकने योग्य उचित कदम उठाए गए हैं। पैरा समाप्त।